स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, चिकित्सा आपूर्ति के रूप में मानवीय सहायता भारत ने किस देश को भेजी है? ए ब्राजील, बी इराक, सी लेबनन, डी चीन। आंसर सी लेबनन। एक्सप्लेनेशन, भारत ने 18 अक्टूबर को लेबनन को दवाइयों सहित 33 टन मानवीय सहायता भेजी। ये सहायता ऐसे समय में भेजी गई है जब इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रही है। इस खेप में विभिन्न प्रकार की दवाएं शामिल हैं, जिनमें हृदय संबंधी दवाएं, एनएसएआईडी नॉन स्टेराइल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, सूजन रोधी दवाएं, एंटीबायोटिक्स और एनेस्थेटिक्स दवाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? ए कुलदीप यादव, बी टिम साउदी, सी जसप्रीत बुमराह, डी कगिसो रबादा। आंसर डी कगिसो रबादा। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबादा ने इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कगिसो रबादा ने जब अपना 300वां टेस्ट विकेट लिया तब उन्होंने 11,817 बॉल फेंकी थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के वकार यूनिस के नाम था, उन्होंने 12,602 बॉल पर ये कारनामा किया था। अगला प्रश्न, भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी असम। आंसर ए उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना की सुदर्शन कोर झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। इस अभ्यास में लगभग 1,800 सैनिक, 210 बख्तरबंद वाहन और विमान भाग ले रहे हैं। 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमताओं में सुधार करना है। अगला प्रश्न, सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना को कब तक बढ़ाया है? ए मार्च 2025, बी मार्च 2026, सी मार्च 2027, डी मार्च 2028। आंसर बी मार्च 2026। एक्सप्लेनेशन, समर्थ वस्त्र मंत्रालय का एक मान संचालित और रोजगार उन्मुख वृहद कौशल कार्यक्रम है। समर्थ योजना को 300,000 लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2 साल वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए और बढ़ा दिया गया है। योजना का उद्देश्य संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग को प्रोत्साहित करना और उसका समर्थन करना है। अगला प्रश्न, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, बी बीजिंग चीन, सी कजान रूस, डी नई दिल्ली भारत। आंसर सी कजान रूस। एक्सप्लेनेशन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक कजान रूस में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता उपस्थित थे। ब्रिक्स अब 60 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी और 37.4% वैश्विक सकल उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे G7 से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। इस बढ़ते संगठन की भूमिका आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकती है और भारत की इसमें भागीदारी इसे और मजबूत कर रही है।